जय हिंद। देखिए, आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पीजीटी मैथ्स सिलेबस के नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, है ना। और आज हम इस जो है वीडियो में यानी इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और उसको कैसे जो है मतलब फाइंड करते हैं, है ना। किसी भी बॉडी की हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे जो फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो होता है जैसे कोई बॉडी है ना, और हम उसको मतलब किसी स्ट्रिंग से लटका दें। जैसे ये हमारे पास ये बॉडी है और हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे लटका दें, तो जो वेट ऑफ बॉडी होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारा कहाँ से होते हुए जाएगा, ठीक, जैसे ऐसे जाएगा ये होते हुए, है ना, ऐसे जैसे ऐसे लटकाया हमने ऐसे, तो जैसे ये जहाँ से होते हुए जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जैसे हमने ऐसे लटकाया, फिर ऐसे लटका दिया, है ना, फिर ऐसे लटका दिया, तो जो तीनों स्ट्रिंग जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं सीजी, है ना। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने बताया कि कोई हमारे पास बॉडी है और उसको हम क्या कर दें, लटका दें, ठीक है, किसी स्ट्रिंग के सहायता से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बॉडी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आंखों में लाइट बहुत लग रही है, ठीक। तो मतलब कहने का कि लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक, जिस पॉइंट पर मतलब कट करेंगे, है ना, जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही हमारा जो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ठीक, इसको हमने ऐसे लटकाया, फिर इसको हमने घुमा करके मान लो कि ऐसे लटका दिया, है ना, ऐसे जे, ठीक। अब इस ये यहाँ से गुजर रहा है, मान लो पहले वाला जो स्ट्रिंग था वो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है और एक स्ट्रिंग ऐसे यहाँ से गुजर रहा है, तो जो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब सी जी होगा। यही हमारा क्या होगा, सी जी होगा, ठीक है। तो उसी जो है सेंटर को हम क्या कहते हैं, सीजी कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, तो हम इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक, एज ए पॉइंट, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक, सॉरी, इज ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है ना, जहां पर मतलब क्या होता है, जहां पर, ठीक है, जहां पर मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, पास होती हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट थ्रो थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, आप बेट ऑलवेज ऑफ बेट ऑलवेज पॉसेज, ठीक है, ऑफ बेट ऑलवेज पासेज, ठीक है,
हॉसेज व्हाट योर पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन ऑफ एक्शन से होकर के मतलब गुजरता है ना, और जिसका वेट मतलब उस बॉडी के मतलब कहाँ पर हो, पोजीशन पर हो, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रॉड है, क्या है, रॉड, ये ठीक, ये हमारे पास रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, है ना। हमने मान लो यहाँ से इसको लटका दिया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे यहाँ से गुजरा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। जैसे मान लो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, क्या ले लिया, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हमने क्या किया, ये इसकी डायगोनल है और ये इसकी डायगोनल है ना। तो इस पॉइंट पर मतलब ये मिल रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये ओ पॉइंट होगा। मतलब रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसकी जो डायगोनल है जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मतलब कट करती हैं, है ना, वही उसका जो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब कि जी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आया समझ में। तो इस ध्यान रखने ये बातें, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो सी जी होता है, ठीक, जो उसकी डायगोनल होती है जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, वही पॉइंट जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यही काम स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में डायगोनल ऑफ ईच साइड, ठीक है, बाय डायगोनल, हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पर उसकी डायगोनल कट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है, उसका जो है सी जी कहलाएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर में होता है, समझ रहे हो कि नहीं, तो इतनी बात जो है समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे लैमिना के बारे में, ठीक है। यहाँ लैमिना की बात जो हम कर रहे हैं, ठीक, तो लैमिना का मतलब भी यही होता है, ये लैमिना अगर तुमसे कहा जाए तो ये एक तरह से लैमिना है, और लैमिना हमारा ठोस होना चाहिए, ठीक है, और ठोस होने के साथ साथ मतलब हम जैसे कह दें कि एक हमने प्लेट ले ली, वो रेक्टेंगल के आकार की या स्क्वायर के आकार की, लेकिन उसको एक मतलब ठोस होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर होनी चाहिए, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल होनी चाहिए, मतलब यूनिफार्म होनी चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब यूनिफार्म होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो इसमें से ये सब जो क्या कहलाएंगे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएंगे, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इसके डायगोनल कट करेंगी, समझ में आया। तो पूछ भी सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, व्हाट हैपेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है जो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जहाँ पर डायगोनल जो क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। तो यही जो है मतलब, मान लो हम एक ट्रेंगुलर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्रेंगुलर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, तो ट्रेंगुलर प्लेट में क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये ट्रेंगुलर ले लिया, ये ट्रेंगल है, ठीक, ये भी हमारा लेमिना है, ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे ट्रेंगुलर जो है प्लेट है ना, इसको हमने ले लिया। अब इसमें तुमसे कहा जाए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सी जी किस पॉइंट पर होगा, ये तुम्हें हम मतलब इसमें से इसे निकालना है, ठीक। तो इसमें से तुमसे जो है कहा जाएगा कि इन ए ट्रेंगल,
या कह सकते हैं कि व्हाट हैपेंस या व्हाट विल बी, ठीक है, क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो सेंट्रॉयड का मतलब पहले जानना चाहिए कि सेंट्रॉयड जो होता है, ठीक है, उसके जो ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर्स होते हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वही उसका क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा सेंट्रॉयड है, ये क्या है सेंट्रॉयड, ठीक। अब सेंट्रॉयड में जैसे यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये एम है और ये एन है और ये ओ है, ठीक, और ये इसका जी है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रॉयड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जिस पॉइंट पर उसके, ठीक है, जिस पॉइंट पर उसके जो परपेंडिकुलर्स लाइन है वो जिस पॉइंट पर काटेंगे वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ए रेक्टेंगुलर, ठीक है, प्लेट, इन ए रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, ऑफ द सेंट्रॉयड, ऑफ द सेंट्रॉयड सॉरी सेंट्रॉयड है ना, हाँ, सेंट्रॉयड में मीडियंस होती हैं, ध्यान रखना ये मीडियंस हैं, क्या हैं मीडियंस हैं, सॉरी चाहते हैं थोड़ा मिस्टेक हो गई, सेंट्रॉयड में मीडियंस होती हैं, वो आर्थो सेंटर होता है जिसमें परपेंडिकुलर जो होते हैं ना यानी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले जाते हैं। तो ये हमारा सेंट्रॉयड है और इसकी ये मीडियंस है, तो मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ए ट्रेंगुलर जो है लेमिना इज सेंट्रॉयड विल बी इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑल मीडियन एट द पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मतलब जिस पॉइंट पर मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इनमें जो साइड्स होती है ना, ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना सेंट्रॉयड में, कि जैसे हम बी एम बटे सी एम लिखेंगे, बी एम बटे सी एम मतलब ये बी एम बटे सी एम है, ठीक। तो ये अपने साइडों को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो मतलब ये हमारा 2/1 होगा, ठीक। और जो अगर हमारे यहाँ पर ए एन देखा जाए तो ए एन अपान सी एन ये भी 2/1 की ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉयड की, ठीक। और इधर ए डी अपान बी डी ये भी हमारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना सेंट्रॉयड में, ये सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो सेंट्रॉयड में जाइए, सेंट्रॉयड की प्रॉपर्टी, सेंट्रॉयड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डायगोनल्स को, ये जो मतलब लाइंस हैं ये एक दूसरे को मतलब बी जी बटे जी एन ये होंगी मतलब 2/1, ठीक है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगी, ये इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगी, जैसे यहाँ पर सी जी अपान जी डी होगा तो वो भी 2/1 होगा, यहाँ से ए जी अपान जी एम जो होगा वो भी 2/1 होगा, मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आई होप दैट इतना तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में।
अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की प्रॉपर्टी ये एक हो गई, एक और होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे ये हमारा ट्रेंगल है, ये क्या है ट्रेंगल ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट हमने 3D ले लेते हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, वर्टेक्स के, ठीक। ये वर्टेक्स के क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और इसमें हम कह दें और इसमें हम ये ए एम है मीडियन, और ये बी एन है, और ये सी ओ है मीडियन, ठीक है। तो इनका जो एरिया होगा, मतलब एरिया हमारा ए, और इसका मान लो यहाँ पर जी है, तो ए जी बी और ए जी सी और ए जी बी जी सी, इन तीनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल बी जी सी। इन सभी का जो एरिया होगा क्या होगा, इक्वल होगा। शादियां हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा पटाखे वटाखे की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो आवाज़ भी थोड़ा धीमी रहती है, तो इसलिए थोड़ा मतलब एयरफोन वगैरह हो उसको लगा के थोड़ा पढ़ा करिएगा, ठीक है। और शादी भी है यहाँ तो पास में, मैरिज हॉल है, हम नाइट में तो बना रहे क्या करें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस वीडियो में मुसीबत आएगी, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जो मीडियंस होती हैं, वो मीडियंस क्या करती हैं, सभी जो है ट्रेंगल्स के एरियाज को मतलब इक्वल जो है एरिया में डिवाइड करती हैं, ठीक है। इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगी, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब जैसे इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, एक्स वन वाई वन जेड वन, तो अगर हमें जी निकालना हो, क्या निकालना हो, जी जी के कोऑर्डिनेट्स अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें या इसी में देख लो, ये इधर भी बना है, तो अगर जी के कोऑर्डिनेट्स तुमसे पूछा जाए, तो जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपान थ्री कर दोगे, कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपान थ्री कर दोगे, और जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपान थ्री कर दोगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दोगे, तो इस जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो निकल करके आ जाएंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी हो, ध्यान रख। तो सेंट्रॉयड में क्या होता है कि उसके जो सेंट्रॉयड होता है और जो मीडियंस होती है, वो मीडियंस 2:1 में डिवाइड होती हैं, और अगर उनमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी का हमें अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपान थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपान टू, और जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपान थ्री करके इस जी का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इस जी का हम कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस जो है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आया होगा। तो सेंट्रॉयड में तो
कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है, अगर हम ठीक इन तीनों वर्टेक्स पर, एक बात और ध्यान दे लेना, इन तीनों वर्टेक्स पर अगर हम इक्वल मास रख दें, यम वन यम टू यम थ्री, मान लो यम वन यम टू यम थ्री जो मास हैं, तो अगर हम इक्वल मास इसमें से रख दें, ठीक, तो उनमें से क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो मतलब उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी, ठीक है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ना वही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब हम ए बी सी पर, जैसे आप देखते हैं कि तराजू पर हम अगर दोनों तरफ एक एक केजी रख दें, है ना, तो क्या उसके तराजू का कांटा ज़्यादा कम होगा, नहीं होगा ना, मतलब इक्वल रहेगा। तो वही कहा कहा गया कि अगर हम इन पर इक्वल मास रख दें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही होगा, ठीक है, जो पहले था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक बात ये है कि क्या जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अंदर ही हो सके, है ना, बाहर भी हो सकता है कहीं, ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो हमारा कहीं बाहर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा अंदर हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक, दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज लाइज ऑन द विदिन ऑफ द बॉडी, लाइज ऑन द विदिन ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट नेसेसरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द विदिन ऑफ द बॉडी, मतलब कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो वो बॉडी के अंदर ही हो, ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो, ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं, वैसे ये सब पूछा नहीं जाता, लेकिन तुम्हें मतलब याद रहे इसलिए हम लिख रहे हैं कि समझ सको, है ना। इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज ऑन द विदिन ऑफ द बॉडी, विदिन ऑफ द बॉडी, है ना, ठीक, ये जरूरी नहीं है कि मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर ही लाइक करे, वो बाहर भी हो सकती है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास ये बॉडी है, ये क्या है, ये बॉडी है, इसमें यम वन एम टू और एम थ्री ये तीन जो है मास हैं, ठीक, और यहाँ पर कहीं ये ओ है, यहाँ पर ये क्या है, कहीं ओ है, ठीक, अब ये ओ है, यहाँ से मान लो ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है, आर वन, ठीक, यह कह सकते हैं कि ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर आर वन है, पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आर वन है, इसका पोजीशन वेक्टर आर टू है, और इसका पोजीशन वेक्टर आर थ्री है, ठीक है, और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें ओ जी निकालना हो, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं इसमें जी है ना, ऐसे हम कर दें कि इसमें यहाँ पर कहीं जी है, ठीक, और हमें ओ जी निकालना हो, ओ जी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो अगर हमें ओ जी इसमें से निकालना हो, ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, एम वन आर वन है,
है ना, इसका मास यम वन है, यम वन है, और पोजीशन वेक्टर आर वन है, ठीक। तो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन, इस प्रकार से ओजी हम इसका जो है निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसके ये मास है एम वन एम टू एम थ्री और उनका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर वन आर टू आर थ्री है, तो हमें अगर ओजी निकालना हो तो सीधा ओजी एम वन पोजीशन वेक्टर आर वन प्लस एम टू पोजीशन वेक्टर आर टू प्लस एम थ्री पोजीशन वेक्टर आर थ्री एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। इस प्रकार से हम ओजी जो है यहाँ वैल्यू रख करके इसको फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आई होप दैट ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है पोजीशन वेक्टर की सहायता से, ठीक है, किसी बॉडी मास दिए हों तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और ये जो हमारा ओ है ना, ये ओ, ये ओरिजन है। ओरिजन का मतलब कहीं से मान लो यक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारी होगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई हमारी होगी जिस पर ये ओ है, ठीक है, और उनके पोजीशन वेक्टर ये हैं, तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं ओ जी, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर हमें ओजी के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना हो तो बिल्कुल जो है क्या होगा, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, यम वन आर वन प्लस यम टू आर टू प्लस यम थ्री आर थ्री अपान जो है यम वन प्लस यम टू, है ना, और यम थ्री करके। इसी प्रकार आगे आएगा तुम्हारा जो है, मान लो यम के बाद यन हो गया, या एक्स वाई के टर्म में ले सकते हो, है ना। मान लो कि एम वन के कोऑर्डिनेट्स यक्स वन यक्स टू यक्स थ्री है ना, यानी कि यम वन के यक्स वन यक्स टू यक्स थ्री है और यम टू के वाई वन वाई टू वाई थ्री है कोऑर्डिनेट्स, यम थ्री मास है, ये मास है, और इसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री है, ठीक है। तो ये वेक्टर के केस में अगर हों ऐसे, तो इसको जो तुम्हें जो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है वो ऐसे करके यम वन यक्स वन प्लस यम टू एक्स टू, है ना, एम टू यक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपान एंड सो ऑन एम वन प्लस एम टू एंड सो ऑन, फिर एम टू वाई वन प्लस यम टू वाई टू प्लस यम टू वाई थ्री अपान एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन, ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। इसी प्रकार यम थ्री जेड वन प्लस यम थ्री जेड टू प्लस यम थ्री जेड थ्री अपान एम अपान एम वन प्लस यम टू प्लस यम थ्री अपान करके कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारी बात थी इसमें कि जब कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर हो, ठीक है, और वो ओरिजन के रूप में होगा, मतलब उसमें ओरिजन कहीं लिया हुआ होगा, ठीक है, तब जा करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगी और उसको जो है हम इस प्रकार से ओजी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो नोट करिए इसे, हाँ देखिए, अब देखिए इसमें ये तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस हो गया, अब देखिए इसमें क्या होगा। अब जैसे मान लो एक आर्क है, ये आर्क है और इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं बॉडी के बाहर है और इसमें आर्क से, ठीक, ये ओ पॉइंट है,
है ना। और ओ से यहाँ पर यानी 2 अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब कि ये इसको सिमेट्रिक में डिवाइड करता है ना, किसमें, सिमेट्रिक में डिवाइड करता है। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, मतलब ये पूरा 2 अल्फा होगा। और जी यहाँ पर कहीं पर है जी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब बॉडी के कहीं बाहर है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आर्क के लिए और उनके बीच एंगल 2 अल्फा हो, तो ऐसी कंडीशन में ठीक, और मान लो ये ए है, ये क्या है, ए, ठीक है, ये ए है, तो ये भी ए है, जो कि ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, ध्यान रखना ये रेडियस है। तो इस कंडीशन में अगर हमें ओजी निकालना हो, तो ओजी बराबर क्या होगा, ए साइन अल्फा अपान अल्फा, ए साइन अल्फा अपान अल्फा, ध्यान रखना ठीक है, ए साइन अल्फा अपान अल्फा होगा। दूसरी कंडीशन इसमें आती है, अल्फा हमारा रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना अल्फा हमारा काहे में होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन का मतलब समझ रहे हो ना, पाई के टर्म में, तो अल्फा हमारा रेडियन में होना चाहिए ठीक। दूसरा मान लो कि एक हमारे पास सेमी सर्किल है, क्या है, सेमी सर्किल, ये हमारा सेमी सर्किल है ठीक। अब ये सेमी सर्किल है और ये पॉइंट, इसमें भी ए है और बी है, इसमें ये ए है, ये बी पॉइंट है ठीक। और इसमें कहा जाए कि जो ये एंगल है यहाँ पर वो कितना है, 2 अल्फा, 2 अल्फा का मतलब ये पूरा 180 का होगा, 180 डिग्री का, यहाँ पर 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा सेमी सर्किल में, तो ये अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, मतलब अल्फा जो हमारा होगा 90 होगा, तो ये अल्फा का मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू रेडियन में हो जाएगा, ये पाई बाई टू काहे में हो जाएगा, रेडियन में ठीक। तो ये हमारा रेडियन में हो गया। अब इस कंडीशन में अगर हमें ओजी निकालना हो इसका, सेमी सर्किल का, और इसमें मान लो कहीं पर यहाँ जी है, यहाँ पर क्या है, जी है और ये ओ है, तो अगर सेमी सर्किल में ओजी निकालना, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2a अपान, ठीक है, 2a अपान पाई, 2a अपान पाई, ए क्या है, ए रेडियस है, ए क्या है, रेडियस, कोई दिक्कत ठीक है। दूसरा इसमें मान लो सेमी सर्कुलर दे दिया, अभी तो सेमी सर्किल था, अब तुम्हें सेमी सर्कुलर लेमिना दे दिया, सेमी सर्कुलर लेमिना दे दिया, ये सब लेमिना के बारे में बात चल रहा था, रेक्टेंगल वगैरह है ना, ये सब लेमिना कहलाते हैं ठीक। तो सेमी सर्कुलर लेमिना में क्या होता है कि इसमें ठीक, ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट यानी लैमिना है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, ये ओ है और ये जी है, ये सेमी सर्कुलर है और वो सेमी सर्कल सर्कल है ठीक है। तो इसमें अगर इस कंडीशन में अगर तुम्हें ओ जी निकालना हो ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होता है ओजी निकालने का, उसमें क्या पढ़ा है तुमने, 2a अपान पाई पढ़ा है, इसमें 4a अपान 3 पाई होगा, इसमें क्या होगा, 4a अपान 3 पाई ओजी सेमी सर्कुलर में, ध्यान रखना ये फार्मूला लिखते जाना ठीक, डायरेक्ट मतलब तुम निकाल सकते हो इससे ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई स्फेयर है ठीक है, और उसका हमें सी जी निकालना है, क्या निकालना है, सी जी। तो जैसे ये स्फेयर है, ये क्या है, स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है ठोस है ना, और इसका हमें सी जी निकालना है, तो ये ओ है और ये यहाँ पर जी है ठीक, ये ए है, ये बी है, तो इसका अगर हमें ओ जी निकालना हो, तो स्फेयर में ध्यान रखना ये स्फेयर है, क्या है, स्फेयर, तो इसमें ओजी निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है ओजी में 3a अपान 8 होता है ठीक, ध्यान रखना 3a अपान
ये इसका ओजी निकालने का फार्मूला होता है, 3/8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी प्रकार अगर हमसे स्फेयर सेल कह दे, स्फेयर सेल का मतलब होता है खोखला, ठीक है, ये ठोस है ना स्फेयर, अब हमें खोखला कह दे, ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर स्फेयर सेल है, क्या है? स्फेयर सेल, ठीक, यानी खोखला जो है गोला है वो, हाँ खोखला गोला, और इसमें ये ओ है और यहाँ ये जी है इस पॉइंट पर, तो इसके लिए अगर तुमसे कह दे कि इसका ओ जी क्या होगा, तो इसके लिए ओ जी निकालने के लिए फार्मूला होता है a/2, क्या होता है a/2, इसके लिए फार्मूला a/2 होता है, ठीक, ये लिखते जाना, समझ रहे हो अपने, a/2 होता है। इसी प्रकार अगर तुमसे सॉलिड कोन के बारे में कह दे, ठीक, जैसे ये कोन है, ये क्या है कोन, सॉलिड कोन, ठीक, और ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी क्या है हाइट, अब यहाँ पर मान लो कि इसमें जी है, यहाँ पर हाइट पर ये जी है, ठीक, और ये तो जानते कि यार इसमें हाइट होती होती है, ये हाइट है और इस हाइट पर यहाँ पर जी है और ये ओ है, तो अगर इसका ओ जी निकालने कह दे, ठीक है, तो इसका ओ जी निकालने का फार्मूला 3/4 होता है, क्या होता है 3/4 होता है, ठीक है, सॉलिड कोन में, ठीक है, और ये सिमेट्रिक है, क्या है सिमेट्रिक, मतलब ये हाइट इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, ठीक है, तो इसके लिए ओ जी निकालेंगे 3/4 होता है, ये तुम याद रखना। और इसमें अगर कॉनिकल सेल कह दे, तो कॉनिकल सेल ध्यान रखना, ठीक, ये सॉलिड है, सॉलिड कोन है, और अब तुम्हें कॉनिकल सेल कहेगा, क्या कहेगा, कॉनिकल सेल, तो कॉनिकल सेल में जैसे ये हमारा कॉनिकल सेल है, ये इसकी हाइट है, यहाँ पर जी है, ये ओ है ना, ठीक, तो इसमें अगर कहे ओ जी निकालने के लिए कॉनिकल सेल में, खोखला कोन में, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2h/3, 2h/3, ठीक, 2h/3, तो इस प्रकार से ये हमने बहुत सारे इसमें फार्मूले तुम्हें लिखाया, ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये हमारा अर्क है, ये क्या है अर्क, ध्यान रखना, ये अर्क है, और अर्क का सेंट ओ जी निकालना हो बाहर, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ओ जी निकालना हो तो ए साइन अल्फा अपान अल्फा होता है, ठीक, ये रेडियस है, स्फेयर का ओ जी 3/8 होता है, और सर्कुलर लेमिना का ओ जी 4a/3π होता है, कोन का यानी सॉलिड कोन का ओ जी 3h/4, और ये कॉनिकल सेल का ओ जी 2h/3 होता है, और इसके बाद ये सर्किल है यानी सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का, ठीक है, 2a/π होता है, ठीक, और इसके बाद ये हमारा स्फेयर सेल है, खोखला जो है गोला, इसका a/2 होता है, इस प्रकार से ये हमारे फार्मूले जो है होते हैं, अगर किसी का ओ जी निकालना हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ऐसे जो है सवालों में ऐसे हम इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ओ जी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, फार्मूले अगर याद हो, ठीक है, आगे हम इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, और देखें कैसे ये होता है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।